पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी अनोखा रहा। इस शो का फॉर्मेट ये है, 4 दिन मैं उनकी लाइफ जीऊं और फिर उसके बाद जो भी कमियां मैं महसूस करूं उस घर में, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। मेरा मानना ये है कि अगर बच्चे जो हैं वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन्ड, वेल बिहेव्ड हो, तो वेस्टर्न इंडियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टीरियोटाइप जो है कि महल में रहने वाले ऐसे होते हैं, फेक, आई थिंक वो स्टीरियोटाइप जो है बदलने वाला है इस शो के साथ। क्योंकि अगर आप वो शो देखेंगे कि मैंने उस घर में क्या क्या किया है, किस प्रकार से मैंने बर्तन धोए हैं, साफ़ सफाई की है, पकाया है, ये किया वो किया, आप देखेंगे कि मैं कि ये नहीं कि हम नहीं कर पाते हैं, हम बहुत, मैंने बहुत अच्छी तरह कर सब कुछ किया वहाँ पर। लेकिन स्टीरियोटाइप्स में खुश रहना कि मैं सिंपल हूँ, मैं घरेलू हूँ तो मैं अच्छी हूँ, ये स्टीरियोटाइप जो है ब्रेक होने वाला है इस शो के साथ में।